होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो यह है झारखंड की न्यूज़। झारखंड आयुष जो डॉक्टर की वैकेंसी निकली थी उसी की ये न्यूज़ है। और झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने JPSC को आवेदन भरने की अंतिम तिथि को 2 सप्ताह बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य में संविदा पर काम करने वाले सभी आयुष चिकित्सक नियुक्त प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये न्यूज़ डेट एक्सटेंशन को लेकर है। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 24 तारीख को डेट जो है अंतिम तिथि थी और इसे 2 सप्ताह बढ़ाने की बात की गई है। अदालत ने 4 सप्ताह में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है, यानी कि एक महीना के अंदर राज्य सरकार को भी जवाब देना है कि कितने आयुष चिकित्सक जो है झारखंड में कार्य कर रहे हैं जो कि अनुबंध में है। देखिए यहाँ मैं बता दूँ आपको कि 14 से 15 वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे हैं जो आयुष चिकित्सक, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह बिहार में 12 साल उम्र सीमा की छूट दी गई है और झारखंड को भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पहली बार नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है झारखंड राज्य बनने के बाद, तो इसलिए भी उनको छूट चाहिए। और कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, छूट मिलनी चाहिए। इस तरह की और भी JPSC की कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं ज़रूर यहाँ आपको बताऊँगी। ये सीरीज़ 3 है JPSC की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले सीरीज़ में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे JPSC के बारे में। अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप कमेंट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि CCH में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो वो क्या करें। तो CCH अब बदल चुका है और अब वो कुछ और हो चुका है, चलिए आइए उसे भी देख लेते हैं। और अगर आप ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है CCH की तरफ से, तो वो हम चेक करते हैं अभी किस तरीके से, चलिए आइए देखते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, हम हैं NCH की वेबसाइट पे, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट पे। और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पूछा था कि जो CCH है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो क्या करें। तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में जाइए, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ बहुत कुछ है जो उन्होंने यहाँ पे देखिए, व्हाट्स न्यू में जा सकते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन, ये सब नया कुछ है, आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ओल्ड CCH वेबसाइट, यहाँ पे ओल्ड CCH की वेबसाइट भी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, इसे और क्लियरली सामने से देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आपसे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नेशनल रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, यहाँ इस तरीके से नेशनल रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। और यहाँ पर आप आधार नंबर अपना डाल सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, उसके बाद सर्च पे डालेंगे, आप आधार नंबर डालिए, सर्च पे डालिए, आपका अगर डिटेल सेव है तो वो ज़रूर यहाँ पे शो करेगा। नीचे लिखा है FOR CRH, ठीक है, FOR CRH लिखा है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपका जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी खुल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है कि अपना जो आपका जो नाम है स्टेट रजिस्ट्रेशन में वैसे ही लिखिए, लेकिन स्टार्टिंग विद सरनेम, आप सबसे पहले अपना सरनेम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ द डॉक्टर में आप पहले अपना सरनेम लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। और स्टेट रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट यहाँ पे डालिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश आप के हैं तो वो डालिए, दिल्ली के हैं दिल्ली से आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो दिल्ली लिखिए, गुजरात से हैं आप गुजरात लिखिए, क्वालिफिकेशन है क्या वो लिखिए, ठीक है, जैसे BHMS किया है या DHMS किया है वो लिखिए, फिर सर्च पे चले जाइए और आपको आपकी डिटेल्स जो है वहाँ पे दिख जाएगी। कई बच्चों का ये कहना है कि नहीं आ रहा है, नहीं सर्च हो पा रहा है, तो सारी डिटेल्स नहीं डाल के भी आप सिर्फ स्टेट और अपना नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले आपको सरनेम डालना है। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी जिससे आप आराम से अपना जो CRH है यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी वो आप ढूंढ सकते हैं, आपका नाम है कि नहीं, और वो ही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जाके सबमिट कर देना है, राइट। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम नहीं आया है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बोर्ड ऑफिस जाके अपना जो भी आप जिस भी स्टेट के बोर्ड ऑफिस से आप रिलेट करते हैं वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप अपना जो भी क्वेरीज है वहाँ पूछिए, वो बहुत अच्छे से आपको सारी जानकारियाँ दे देंगे। मुझे इस वेबसाइट की जो सबसे ख़राब बात ये लगी कि इस वेबसाइट में आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बहुत कम दिया हुआ है और ये सही नहीं है। देखिए कॉन्टैक्ट अस में अगर मैं जाती हूँ
तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया जो है सिर्फ आपको यहाँ पे जो बॉडी वहाँ पे काम कर रही है जनकपुरी दिल्ली उसका वो ब्लॉक डी यही सब लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी डिटेल नहीं है। एक फ़ोन नंबर दिया गया जो कि बहुत ही गलत है, एक फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए, कम से कम तो दो तीन फ़ोन नंबर्स देने चाहिए। जब आपने सब कुछ न्यू किया है तो कुछ और न्यू करना चाहिए। रही बात ईमेल आईडी इसकी, तो ईमेल आईडी भी एक ही है, यहाँ पे देखिए ये ईमेल आईडी है, इसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं, इसमें जाके आप पूछ सकते हैं। ओके, ईमेल आईडी यहाँ पे दो दी गई है, तो फ़ोन नंबर्स भी दो देने चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग फ़ोन करके ही पूछते हैं। तो ये तो थी सारी डिटेल्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और भी कुछ न्यू डिटेल्स के साथ। चलिए